Myself Sarvottam Rao, an engineering graduate teaching physics from last 10 years. Students, आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. टोटल जो हमारे सिलेबस में 9 यूनिट्स है, 14 चैप्टर्स है. इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. पहला चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज और सेकंड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्टिंग करने से पहले स्टूडेंट्स मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी छोटी सी टर्म दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को. हमने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाएगा तो आज फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और हमने जो क्लास 12th में पढ़ना है वो 70% इलेक्ट्रिक चार्ज को ही पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी. सी स्टूडेंट्स, व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं किससे पूछूं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से. इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज. कि ये वो फॉर्म एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड ऑन टू टाइप्स. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड होगी दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अराइज हो रही है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से. देखा होगा अगर हम लोग एक कंघा लें और अपने बालों में रब करें तो उसके ऊपर अगर छोटे छोटे पीसेज लेके आए तो उस पर स्टक हो जाते हैं. या देखा होगा थंडर स्टॉर्म के टाइम आसमान से बिजली कड़कती है, या नॉर्मली विंटर में हमने स्वेटर पहना हुआ है इवनिंग में अगर हम लोग उसे उतारते हैं तो और उसे हल्का सा अगर हम लोग झटकते हैं तो देखते हैं उसमें स्पार्किंग की साउंड आती है, क्लिंग एक छोटी सी साउंड आती है. दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक वो जो पॉसिबल हो पाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाता है. क्यों, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज दो स्टेट में रहता है, वन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड वन इन द स्टेट ऑफ मोशन. इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को हम लोग स्टैटिक्स भी बोलते हैं और सेकेंड आएगा मोशन में, और मोशन को हम लोग डायनामिक्स भी बोलते हैं. तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होगी उसे बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इट्स ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. कि वो फॉर्म एनर्जी की जो अराइज होती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होता है, रेस्ट में, एट रेस्ट. एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो क्लिंगिंग ऑफ पेपर पीसेस ऑन रब्ड कॉम लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म और वही स्वेटर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया. अब हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, हाँ सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और यही हमारी यूनिट वन बनेगी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन स्टेट ऑफ मोशन देन इट विल प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज is in स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की बात करेंगे हम लोग या कंटिन्यूस मोशन बोलेंगे, कंटिन्यूस मोशन. क्योंकि दो टाइप का मोशन होगा, एक होगा एक्सेलरेटेड मोशन जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो आज के टाइम में हम लोग मोबाइल फोन्स पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारे एरोप्लेन चल रहे हैं, सैटेलाइट रिवॉल्व सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. उससे प्रोड्यूस होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बट यहां बात करेंगे हम लोग कंटिन्यूस मोशन की. तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस मोशन में होगा तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल, जैसे हमारे घरों में एसी एंड डीसी पावर सप्लाई है, ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में आता है. अल्टरनेटिंग करंट या बैटरी वाला जो एक सिस्टम होता है उसे हम लोग डीसी बोलते हैं. तो ये दोनों जो फॉर्म है एनर्जी की वो है बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमारी यूनिट टू बनेगी.
जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपनी यूनिट वन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चैप्टर हम लोग इसमें डील करेंगे, पहला आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकंड आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक हमारा क्लियर हो चुका है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आगे हमें फिजिक्स समझने में दिक्कत होगी, राइट, बोल ही सकते हैं। बट अगर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आने वाले सारी यूनिट्स में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली ट्वेल्थ की फिजिक्स में। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, सी एयर, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है हमें 600 BC एक ग्रीस में, जहां के स्कॉलर थे थेल्स, लगभग 600 साल BC बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट हमें कॉन्सेप्ट मिलता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। वहां एक स्कॉलर थे थेल्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने उसमें क्या किया, एक एम्बर की दो पीसेस लिए। एम्बर बेसिकली एक लकड़ी का ही रेजिन है, एक नोबल लकड़ी होती है ग्रीस में, जैसे हमारे चंदन होती है वहां, ये एम्बर है एक नोबल वुडन रेजिन, तो इसे लिया उन्होंने और इन दोनों रॉड्स को उन्होंने रब किया दो क्लोथ से। फर्स्ट क्लोथ लिया उन्होंने सिल्क का और दूसरी रॉड को भी रब किया उन्होंने किससे, सिल्क के क्लोथ से, और फिर इन दोनों रॉड्स को उन्होंने सस्पेंड किया एयर में। हालांकि रब करने से पहले भी उन्होंने सस्पेंड करके देखा था एयर में, तो वो दोनों रॉड्स आपस में पैरेलली अलाइन थी, बट जब उन्होंने रब किया सिल्क के क्लोथ से और उन्हें सस्पेंड किया एयर में, तो क्या देखते हैं कि ये दोनों रॉड आपस में एक दूसरे को, एम्बर के पीसेस जो है ये आपस में एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम ही था, ज्यादा चेंज नहीं किया उन्होंने। फिर से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट टू जो परफॉर्म किया उन्होंने, उसमें फिर से उन्होंने दो एम्बर के पीस लिए, एक को रब किया उन्होंने फिर से सिल्क के क्लोथ से, बट इस बार दूसरे एम्बर के पीस को उन्होंने रब कर दिया किससे, वुलन क्लोथ से। तो इस बार फिर से उन्होंने सस्पेंड किया एयर में दोनों रॉड्स को, और फिर से वो क्या देखते हैं, इस बार ये दोनों रॉड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये चीज देख के वो काफी शॉक्ड हो गए कि ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों, और लोगों को भी दिखाया कि ऐसा ऐसा मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली है, आप लोग देखे इसे। तो जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि उनसे कि भाई ठीक है एक्सपेरिमेंट तो आपने बहुत अच्छा किया, बट ये हो क्यों रहा है, अब इसका रीजन भी तो बताइए, तो परेशान हो गए, उन्हें पता नहीं था एक्चुअल में इसका रीजन क्या था, एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने परफॉर्म कर लिया था। ज्यादा ज्यादा लोग उनसे पूछने लगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया बट इसका रीजन भी तो बताओ, अब परेशान हो गए थेल्स भाई साहब। अब और लोग पूछते थे जहां भी वो जाते थे गली मोहल्ले चौराहे पे, लोग अपना मजाक उड़ाने लगते थे। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि हुआ होगा यार किसी चीज की वजह से, जब हमें कोई रीजन समझ में नहीं आता उनको बोल देते हैं किसी चीज की वजह से हुआ होगा। तो उन्होंने ये बोला कि समथिंग हैज टू बी गॉन और समथिंग हैज टू बी अराइव दिस एम्बर पीसेस, दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग ईच अदर, और ये समथिंग समथिंग का नेम में कंफ्यूज थे। अब यहां उन्होंने इसका नाम दिया, एक एम्बर का एक अनदर नेम भी है, एम्बर को हम लोग एक अनदर नेम भी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, ELEKTRAN, इलेक्ट्रॉन। यहां से एक वर्ड उन्होंने बनाया इलेक्ट्रॉन, कि आज वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये ओनली उन्होंने नेम दे दिया था एक, कि इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से ये जो एम्बर के पीसेस हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स कर रहे हैं। बाद में जब स्टडीज हुई तो वाकई ऐसा ही हुआ कि जो कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं जब वो रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, एम्बर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, सिल्क क्या होता है एम्बर के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। सेम यहां हुआ, जब हमने रब किया सिल्क के क्लोथ से तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, यहां से चले गए। और कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेचुरली ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसा क्यों होता है, अभी इतना याद रखना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो वहां नेचुरली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो अब यहां पॉजिटिव चार्ज था, सेम चार्ज था, तो ये आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे थे। लेकिन इसके केस में देख लेते हैं, जब हमने सिल्क सिरप किया था फिर से वही हुआ, क्या हुआ, एम्बर ने, सॉरी सिल्क ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इन रॉड्स पे, बट वूलन के केस में उल्टा हो गया। वूलन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पे आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। तो इसी से आगे जाके प्रॉपर्टीज भी बनी इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई वॉज समझ में नहीं आई, ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इज दैट इट इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर सोर्स इट्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कि ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी शो जरूर करेगा। जैसे अगर मैं एक सीट लूं, मेटल की मैंने एक सीट ले ली, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तो इसके पास मैंने एक रब्ड एम्बर का पीस में लेके आया सिल्क के क्लोथ से, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जब मैं इस मेटल सीट के पास ये रब्ड एम्बर की रॉड लेके आऊंगा तो क्या इस पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, नो, नो इलेक्ट्रिक बिहेवियर। बट जैसे ही इस सीट को मैं रब कर देता हूं तुम्हारा सिल्क से, तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से मैं रब्ड एम्बर का पीस लेके आऊंगा या ग्लास रॉड ले लो, अगर एम्बर नहीं बोल सकते तो ग्लास रॉड ले लो, तो क्या होगा, ये सीट उस एम्बर की रॉड को क्या करेगी, दूर धकेलेगी, रिपल्शन होगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, पहले केस में क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था ही नहीं, तो नो चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हेन इट गेट इलेक्ट्रिफाइड तो ये क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी की सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। अब आगे डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की, यहां तक कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।